दोस्तों आज एक हम वीडियो लेके आए छत पे किस तरीके से पाइप डालते हैं। तो देखिए पाइप, बहुत सारा पाइप हमने डाल दिया है और पाइप को किस तरीके से, जो आपका जो बीम हो गया, बीम में देखिए, बीम में होल करने के बाद आपका पाइप को इसके अंदर डालना पड़ता है। तो किस तरीके से होल करते हैं इसके लिए हमने एक नया तरीका निकला। देखिए ये देखिए ड्रिल हो गया हमारा, ये हो गया हैमर ड्रिल। इसका जो ये बीट है देखिए, पुराना बीट, इसको बीच से हमने काट डाला। बीच में काटने के बाद इसके बाद 10 से 12 इंच के एक रॉड हमने झलाई कर दिया। झलाई करने के बाद ये देखिए काट छेदा करने का ये जो ड्रिल है, देख सकते हैं, काट छेदा करने का ये देखिए, ठीक है, बीट हो गया, मतलब ये 20 इंच का है आपको, ठीक है, ये वाला बीट हमने झलाई करके लगा दिया। तो चलो मिस्त्री भाई, ये थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। तो ये देखिए एकदम सिंपल, ये आसानी से आपको जो काट हो गया ये छेदा हो जाएगा। देखिए ये देखिए सही पोजीशन पे आपको प्लास्टिक को काट लेना है, ठीक है। प्लास्टिक काटने के बाद तार पकड़ना है, लाइन लेना, लाइन गिरना, लाइन ये देखिए एकदम क्लियर, आपका जो पाइप का नाप के बराबर आपका छेद हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये छत में देखिए पूरा, ये आपका देखिए 2000 स्क्वायर फीट का ये छत है, ठीक है। ये हमारा मिस्त्री है, इसका नाम लॉर्ड पोरेस जो है, ये मिस्त्री है, ठीक है। ये देखिए पाइप को डाल रहा है, ये हमारा हेड मिस्त्री है, हेड मिस्त्री है। देखिए किस तरीके से आपको तार से जो बांधना है वो आपको सिखाएगा, सबसे बेस्ट तरीके से बांधने का सिस्टम जो है हेड मिस्त्री सिखाएगा। ठीक है, और आपको एक फुल कंप्लीट टोटल दिखाएंगे, अभी फिलहाल फुल कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। दो चार रूम अभी बाकी है पाइप फेंकना हुआ। ये हो गया मैं कमांडो मिस्त्री, ठीक है। यहाँ पे तोड़ना है, फोड़ना है, काटना है, ठीक है, बढ़िया है, सब जगह में फूटा कर देंगे। इसके लिए मिस्त्री बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी हम वीडियो में देखेंगे जो ये पूरा जो छत है, देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है पाइप डालना और छत को प्रेस कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपका मेन लाइन आएगा और कहां से कहां तक जाएगा मेन लाइन। देखिए ये जो पाइप छुरे हम, ठीक है, ये हो गया आपका मेन लाइन। सर्विस तार जो आता है पोल से, आपका जो तार आता है वो मेन लाइन आके यहाँ पे आएगा, इस जगह में घुसेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इसके नीचे एक जंक्शन बोर्ड होगा और जंक्शन बोर्ड के नीचे एक एमसीबी बोर्ड होगा। यहीं से आपका मेन सप्लाई जो है चारों रूम की ओर जाएगा। देखिए ये पूरा जो छत में देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं टोटल, देखिए ये आगे वाला जो ये हो गया एक बेडरूम, ठीक है। ये वाला जो हो गया ये एक बेडरूम, सामने जो देख रहे हैं ये भी एक बेडरूम है, और पीछे जो देख रहे हैं वो हो गया एक मतलब मंदिर, ठीक है। और ये जो हो गया ये वाला टोटली हॉल रूम है, और ये भी एक हॉल रूम में कनेक्ट होगा। ये जो बीच में बीम है इसके नीचे वॉल नहीं होगा, और आखिरी में जो ये हो गया किचन। तो ये टोटल आपको बता चुके हैं जो कौन सा बेडरूम है, कौन सा किचन है। तो पहले हम देख रहे हैं ये जो मेन लाइन, पहले हम दिखाए सर्विस तार से यहाँ पे मेन लाइन आया है, ठीक है। यहाँ से आपका देखिए ये मेन लाइन, ये बीम से होते हुए, बीम से होते हुए आपका ये वाला जो बेडरूम है इसमें गया, वहाँ पे एक जंक्शन बोर्ड हुआ, और यहाँ से एक जंक्शन बोर्ड जो है, यहाँ से फिर सर मेन लाइन हो गया आपका, ये जंक्शन बोर्ड में आया। ये जंक्शन में आते ही आपका जो ये रूम में आपका मेन लाइन आ चुका है, और ये रूम में वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे मेन लाइन, वहाँ से आपका ये रूम आया, फिर यहाँ से ये रूम में आ गया, दो रूम हो गया, ठीक है। ये साइड का जो रूम हो गया इसमें हम मेन लाइन कवर कर चुके हैं, और अब उस साइड से मेन लाइन ले गए हैं, हॉल रूम हो गया, और इसके अलावा ये जो सामने देख रहे हैं एक बेडरूम है, ठीक है। ये देखिए मेन जो आपका एमसीबी बैठेगा, यहाँ से आते हुए मेन लाइन यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे एक जंक्शन बोर्ड होगा, यहाँ से आपका जो ये बेडरूम में मेन लाइन चला गया, और यहाँ से एक पाइप फिर
दोबारा यहाँ से लेके गए लेते ये बीम होते हुए आपका इस साइड में एक जंक्शन बोर्ड दिए। ये जंक्शन बोर्ड से आपका ये वाला जो हॉल रूम है, हॉल रूम में मेन लाइन चला गया और फिर यहाँ से एक पाइप हमने लेते हुए गया, वो सामने देखिए एक किचन है, वो किचन में हमने पाइप डाला, वहाँ पे एक जंक्शन बोर्ड होगा, इससे आपका किचन भी कवर हो गया और हॉल रूम उधर का बेडरूम टोटल हमारा मेन लाइन चला गया। अब थोड़ा आपको रूम में जो कनेक्शन हुआ है इसके बारे में बताते हैं। ये देखिए एक बेडरूम है, ठीक है, 10x12 का बेडरूम है। आपको इस तरीके से मेजर कर लेना है स्क्वायर के हिसाब से, ये सीलिंग में लाइट देंगे किस तरीके से, वॉल में भी दे सकते हैं, तो हम लोगों ने सीलिंग में दिया है। देखिए मेजरमेंट करके हमने स्क्वायर जो माप है उसका माप का हिसाब से चारों ओर चार सर्कुलर दिए हैं। ये लाइट का पॉइंट देखिए, सर्कुलर बैठा दिया, उसके ऊपर एक रॉड दिया क्योंकि इसका नीचे जो है ये नीचे चदरा दिया हुआ है जिसमें आप काठी को नहीं ठोक सकते, इसीलिए हमने रॉड का टुकड़ा काट कर इसमें सपोर्ट दिया है। और ये फैन बॉक्स देख सकते हैं आपका रूम का मिडिल में नहीं है, थोड़ा साइड में, क्योंकि आपका जो ये रूम हो गया, ये रूम का गेट हो गया यहाँ, उसके हिसाब से बेड होगा ये कोना में, बेड होने की वजह से हमने फैन को थोड़ा बेड की ओर साइड कर दिया ताकि पंखे का हवा बेड में जा सके। इसी तरीके से वो बेडरूम में भी सेम कनेक्शन। देखिए आपका जो मेन लाइन है, मेन लाइन वहाँ से तो आया हुआ है, वो देखिए वहाँ पे मेन लाइन, मेन लाइन से आपका ये फैन बॉक्स में गया, ठीक है, फैन बॉक्स में गया। ये जो आपका सर्कुलर, ये सर्कुलर फैन बॉक्स में दे दिए, वो भी सर्कुलर फैन बॉक्स में, ये भी सर्कुलर फैन बॉक्स, सभी फैन बॉक्स में कनेक्ट हो गया। ये आपका ये रूम का मेन पॉइंट फैन बॉक्स, इसी से आपका चारों लाइन डिवाइड हो गया। ये लाइट का पॉइंट, इसका पॉइंट फैन बॉक्स में आएगा और फैन बॉक्स से होते हुए यहाँ से आपका ये स्विच बोर्ड में चला जाएगा। इसी तरीके से सभी रूम का कनेक्शन देखिए, मतलब लाइट का इन टोटल कनेक्शन आपका फैन बॉक्स में लेते आए हैं और फैन बॉक्स से एक मेन लाइन आपका रूम चारों साइड में उतार दिया। अब जिस साइड में भी बोर्ड देना चाहते हैं दे सकते हैं, और चारों साइड पाइप देने का मतलब देखिए, ये रूम में देख सकते हैं चारों साइड, ये साइड हो गया, ये साइड, चारों साइड में पाइप उतारा हुआ है फैन बॉक्स से, इसीलिए उतारे हैं कि आप जिस भी साइड में आप बोर्ड दे सकते हैं, आप टू वे कनेक्शन कर सकते हैं किसी भी साइड में, और किसी भी साइड में आपका टीवी का बोर्ड हो गया, मेन बोर्ड हो गया, ये सब बोर्ड देने के लिए हमने चारों ओर पाइप छोड़ दिया है, ताकि आपका कोई भी ऑप्शन, सभी ऑप्शन दिया गया है रूम में, किसी भी साइड में, किसी भी वॉल में आप बोर्ड दे सकते हैं। तो इन टोटल देखिए आपको एक बार फिर से हम हमारा छत में दिखा रही है, हमारा टीम है जो ये छत में पाइप फेंके, ये टोटल हमारा टीम है, ये तीन है, एक नीचे है और एक जो मैं बोल रहा हूँ, टोटल 5 आदमी मिलकर सुबह से कर रहे हैं, 6 बजे से लगभग, कितना बज गया रे, 4 बज गया, 6 बजे, सुबह 6 बजे लगे हैं, 4 बज चुका है, ठीक है, अभी टोटल कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए पूरा छत का व्यू आपको दिखा रहे हैं, टाइम इतना नहीं लगता, लेकिन बीच में बारिश शुरू हो गया था जिसके कारण थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो 12-1 बजे तक हम लोग ये कंप्लीट कर चुके होते। देखिए अभी सामान टामान रेडी हो गया कंप्लीट, व्यू देख लीजिए थोड़ा छत का, और कहीं समझने का परेशानी हो तो पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।